हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं आज हम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका सचिवालय जो है वो सिंगापुर में। इसके सदस्य देश हैं 21, जिनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम। तो ये इनके सदस्य हैं। ठीक, अब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों में शामिल है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक तकनीकी विकास सहयोग व्यापार निवेश की सुविधा के लिए ये संगठन बनाया गया था। ठीक है, अब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपीईसी बोला जाता है जिसे। इसके प्रमुख स्तंभ हैं व्यापार और निवेश सुधारीकरण, दूसरा है व्यापार सुविधा, तीसरा है आर्थिक तकनीकी सहयोग। एपीईसी के सम्मेलनों की बात करें तो नवंबर 2017 में हुआ था अभी दा नैंग में वियतनाम में, और नवंबर 2018 का हुआ था पपुआ न्यूगिनी में। यहाँ याद रखिए भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, था एशिया पैसिफिक को इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक,